यार ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में आ गया मैं, ऐसा लग रहा है मैं बीमार नहीं हूँ। जब इनका बिकता नहीं होएगा ना, लास्ट के एक्सपायरी के एक दो महीने बच जाते होंगे, ये ना उनको बहुत सस्ते में बेचते होंगे हॉस्पिटल वालों को। ऐसे चिप्स कभी आपने खाए हैं? ऐसे यार इसमें तो बहुत ज्यादा मिक्सचर हो गया भाई। हमारे तो नमकीन वाले थी, नमकीन नहीं मिक्स करते जितने इन्होंने चिप्स मिक्स कर दिए। इसका प्राइस कितना है? 125। वो महंगी है। फूडीज कृपया ध्यान दें, अगर आपने अभी तक हमारे डेली व्लॉगिंग चैनल OMG Vlogs को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करें। पहली वीडियो 1,00,000 सब्सक्राइबर होने पे ही डलेगी, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट डू इट। हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में। तो हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको दिखाने लगे ऐसी अनोखी अनोखी चीजें जो आज तक हमने तो कभी ट्राई की नहीं और आपको हमें पता नहीं है। और हमें हो गई ये सामान ढूंढते हुए शाम, क्या बात है, लाए हैं हम इतना सारा सामान। तो आप फूडी को सब्सक्राइब करने का तो कर सकते हैं काम, ये शायरी कर दो यार इस बात पे, कर दो यार सब्सक्राइब। मैं तो कहता हूँ मुझे मुशायरे में बुलाना चाहिए। मुझे पता चला एक्चुअली रिक्वेस्ट थी सब्सक्राइब करने के लिए। पर यार मुझे ये पता है कि इतना महंगा सामान आया ना हमारा। सही बात है भाई साहब, उधर टेंशन हो रही थी कि पैसे दे के ना दे, वीडियो रहने दे। जितने का ये सामान है ना, सेकंड हैंड स्कूटर खरीद सकते थे हम। ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा था यार, नहीं आ जाना था। तो आपको हम चीजें खा के बताते हैं और साथ साथ रेट भी बताएंगे, टेस्ट बताएंगे, बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा होगा। कृपया गौर फरमाइए, मूर्ति है मेरी चेली और जो चीज सबसे पहले ट्राई करने वाले उसका नाम है भूतिया हवेली। ओ भाई साहब, अगर आपने ये चीज पहले कभी नहीं देखी ना, वीडियो को लाइक कर दो यार। ये ना हमें चंडीगढ़ से नहीं मिली, हम चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट पे घूम रहे थे, वहां पे हमें ये भूतिया हवेली चीज मिली। लग रहा है मतलब इसको देखते हमने खरीद लिया, हमने कहा ये चीज तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाई। इन्होंने बोला भैया हमें एक भूतिया हवेली दे दो, उसने पेपर दिए, कह रहे साइन कर दो आपके नाम हो गई है। और ये है कितने का? 5 रुपए का। भाई साहब 5 रुपए के अंदर फ्री गिफ्ट भी दे रहे हैं। तुम बड़ी फुकरिया मार रहे थे कि हमने इतनी महंगी महंगी चीजें लाई है, अगली चीज जब आएगी ना तो हक्का पक्का रह जाएगा। 5-5 रुपए की चीजें लाए हो फिर कैसे जेब तुम्हारी हिल गई है बताओ। अगली चीज है स्टारफिश, भूतिया हवेली में स्टारफिश मिलती है। ये इंडियन भूतिया हवेली है, किस एंगल से भूतिया हवेली है भाई? कुछ भी हो सकता है यार, इसके ना काले रंग के चिप्स होने चाहिए थे। जैसे हमने वो उड़ली वाले चिप्स खाए थे एक बार जिसको फंगस लगी, मुझे लगता है काफी स्पाइसी होंगे। जैसे खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। सूंघ के तो पता कैसे लग रहे हैं, जैसे वो देसी चिप्स होते हैं ना। 5 रुपए स्वाद है, स्वाद है। ये यहाँ क्यों नहीं मिलता कहीं आसपास? इसका नाम ऐसा खरीदते ही नहीं कोई दुकानदार। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ना नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा सा किसी विलेज में जाना पड़ेगा या कोई छोटे शहर में जाके ही आपको ये चीजें मिलेंगी। तो लकी दे यार, हाँ यहाँ मिलती नहीं है सब चीजें। और ये चीजें ज्यादा स्वाद होती हैं वो महंगी चीजों से। कमेंट करके बताओ अगर आपने भूतिया हवेली खाई है तो कमेंट में लिख दो हमने खाई है भूतिया हवेली। नहीं खाई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सही बात है क्योंकि हमने पहली बार खाई है। कुंभकर्ण के मेले में मुक्ति गई थी खो, बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। ढूंढी क्यों? और जवाब मांगती है। तब छोटी थी हमें नहीं पता था ऐसी बड़ी होगी। और हम ट्राई करने लगे हैं ओरियो ओरियो की वेफर। ये तो प्राइस की बात कर रहा था, नहीं कितने का ये? 395 रुपए का नहीं, 295, 300 रुपए का। सॉरी 295 का ये। तो अगर आप 300 रुपए दोगे दुकान वाले को तो आपको एक वो भूतिया वेली भी दे सकता है 5 रुपए का। पर एक चीज देखो, 300 रुपए की क्रंची लेके आए हम। वेफर सस्ते होते हैं काफी। ओए ओरियो के वेफर्स जिसने ट्राई करे है ना कमेंट करके बता दो। Seriously? और ये भी बता दो आपको कैसे लगते हैं। हमने पहली बार ट्राई कर रहे हैं, पहली बार ट्राई कर, मुझे लगता है मार्केट में शायद नए आए हैं या फिर हम पहली बार। और जिसने ये खाए हैं ना वो यार अच्छे घर से। हाँ, किसके? अंबानी के लड़के हो के टाटा? मतलब अंबानी साहब से आपके रिश्ते तो पक्के हो, मतलब रिश्तेदारी तो होगी होगी। मतलब सीरियसली अगर हम ये वीडियोस ना कर रहे होते ना तो ये मैं अपनी लाइफ में ट्राई ना करती। भाई हम देख भी ना पाते। चीयर्स तो कर लो फिर इसी नाम पे। ओरियो का वेफर खा रहे हैं हम। चीयर्स गाइस, आप भी खा लो। ज्यादा क्रंची नहीं है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि क्रच की आवाज है, ये सॉफ्ट वाला क्रंची है, हार्ड वाला क्रंची नहीं है। जो वो पैसे वाले लोग होते हैं ना, दे आर वेरी डेलिकेट, सो वो डेलिकेट लोगों के लिए सॉफ्ट क्रंच। हम जैसे लोगों को ना ऐसे कच्चे खाने की देसी, हमें देसी वेफर्स की आदत है। तो ये देखो कितना सॉफ्ट है, देखो
सच्ची में डेलीगेट पूछी 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 कितना सोना बच्चा कितना सॉफ्ट है और इसकी फीलिंग भी उसी तरह की आसपास वेफर है और बीच में इन्होंने व्हाइट चॉकलेट डाल रखी है। ये इतना सॉफ्ट पता है क्यों है? इसको ना पॉन्ड्स की क्रीम लगाते थे और फिर कहता है गुगली बुगली बुश। यार गुगली बुगली बुश की ऐड याद दिला दे तुम्हें, वो जब बच्चों को चुतड़ों पे थप्पड़ मारते थे ना वो चुतड़ स्लो मोशन में ऐसे हिलते हुए पंजाबी गानों में होती है ना लैम्बोर्गिनी गाड़ी की बातें, वो गाड़ी की बातें नहीं होती, ये ड्रिंक के बारे में बात होती है। भाई साहब ये पी के तुम लैम्बोर्गिनी की तरह भागोगे, एनर्जी ड्रिंक इसलिए आग लगा दी। एक्सपीरियंस बोल रहे यहाँ पे उससे ज्यादा तेरी आवाज आ गई। ऐसा लग रहा है पेग, लग रहा है पेग या एप्पल जूस। एनर्जी ड्रिंक्स ऐसी होती है। ओ भाई साहब भाई प्रॉपर इसके लिए ग्लास है भाई साहब पूरा 250 ml का। लैम्बोर्गिनी की एनर्जी ड्रिंक किसने एक्सपेक्ट की थी? देखो खुशबू तो सच्ची बताऊं रेडबुल वाली है। ओके एनर्जी ड्रिंक मेरे ख्याल सबकी ऐसी होती है। इसका रेट है 125 रुपए। Not bad. रेडबुल का भी 125 रुपए है। इक्वल रेट है दोनों का। बस फिर क्या जो देखो ना देखने में अच्छे लगते लैम्बोर्गिनी भाई, कोई फरारी होती तो मैं फरारी ले लेती। इसके बाद मेरे में जोश आने वाला वीडियो बनाते हैं। सेम रेडबुल है। हाँ सेम रेडबुल ही है। दिखाओ। ये ना जो सारी एनर्जी ड्रिंक्स है ना इनके टेस्ट में बहुत माइनर सा फर्क होगा। यार मुझे सच्ची में लगता है कि एक ही फैक्ट्री में बनती है, बाद में वो कहते हैं आप अपना वो कैन लेके आओ हम भर देते हैं। कैन दे देते हैं। यार पहले तो वो लोग कमेंट कर दो जितने भी लोगों को खांसी की दवाई जैसा लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी ले लेती हूँ पर मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को खांसी की दवाई लगती है। ये कॉरेक्स कफ सिरप है। सीरियसली कॉरेक्स कफ सिरप की फैक्ट्री में ही बनती है और ये दोनों नशे करने वालों में से हैं। बट एक चीज है ये लैम्बोर्गिनी का ब्रांड देख के ना एनर्जी ड्रिंक पे वो बड़ी अच्छी अद्भुत बात थी, क्योंकि लैम्बोर्गिनी वैसे तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते बट ये एनर्जी ड्रिंक अफोर्ड कर ली बहुत बड़ी बात है। फरारी वाले भी निकाल दें एनर्जी ड्रिंक पीन तो बात सानू लग गया प्रेशर। क्या अगली चीज हम खा रहे हैं माल 600। यार तुझे कल ही लगाएगा प्रेशर, हमें नहीं लगा। और ये हम पता यार मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं क्या है, मुझे लगता है चॉकलेट वाली फैमिली में से कोई चीज है। चॉकलेट की गोली है ये, चॉकलेट की गोली है, इसका मतलब नटीज है ये। यार इसका एक तो नाम प्रोनाउंस करना बड़ा एक टास्किंग काम है। अभी ऑनलाइन सर्च किया था मैंने इसका, माल्टेसर ऐसा लग रहा है गूगल वाली बीबी भी इससे सीख के जाती है। यार मुझे देखने में तो वो लग रहा है ये कैडबरी की नटीज आती है ना, महंगी नटीज है ये। ओंकार तुम्हें याद है डेयरी मिल्क ने शॉर्ट शुरू करे थे? हाँ 2 रुपए के लड्डू। वो बंद हो गए मिलने, वो गायब हो गए, वो बिके नहीं उनके, वो मेकर इन कंपनी वालों ने ले लिया इससे। हाँ, 2 रुपए के शॉर्ट्स कितने अच्छे हैं। वही शॉर्ट्स है देखो। दो दो दो। चलो ट्राई करें। थोड़ी सी लग रही है। चीयर्स। 2 रुपए के 2 लड्डू। ये नॉर्मल वो नहीं है। इसके अंदर वेफर है बस। पर मैं सोच रहा था ये नटीज के टाइप की होगी, बट इट्स नॉट लाइक नटीज। ये काफी इसके बाहर एक बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, गोल वेफर के ऊपर सिर्फ चॉकलेट की लेयर लगाई हुई है। बस मंच की गोलियां बना दी। नहीं चॉकलेट की क्वालिटी भी अच्छी है, इसको मंच के साथ कंपेयर नहीं कर सकते यार। नहीं 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 मंच के साथ नहीं कर, मंच तो बहुत टेस्टी है। ये भी बुरी नहीं है, चॉकलेट की क्वालिटी मुझे सच्ची अच्छी लगी। डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट है, जैसे मिल्का की चॉकलेट होती है ना उस टाइप का टेक्सचर है चॉकलेट। इसका प्राइस कितना है? 125। वो महंगी है। चॉकलेट पसंद है मुझे सिल्क। वाह जो चीज अब हम ट्राई करने लगे वो है क्विक मिल्क। क्या बात है, लोग सोच रहे हैं कि ये है क्विक मिल्क बट ये क्विक मिल्क नहीं है। तो गाइस हमने एक बड़ी अलग सी चीज देखी, इसका नाम है क्विक मिल्क मैजिक सिपर। और ये बेसिकली पता क्या है, ये स्ट्रो है जिसके अंदर फिलिंग है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ऊपर ओंकार की फोटो बनी है, पर ओंकार की फोटो के मुंह पे जो उन्होंने लगाया वो है पिग का नाक। ये मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उसके अलावा मुझे सब समझ आ गया। स्ट्रॉ निकाल और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है ये, तो बेसिकली दूध जब हम सिप करेंगे स्ट्रॉ में से तो हमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा। बहुत ही यार टेक्नोलॉजी इनोवेटिव। ये देखो यार ये कुछ इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स हैं। हाँ। और आसपास से ये थोड़ी सी ऐसे बंद सी कर रखी है और ये काटनी नहीं है। हाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको काटना नहीं, इसको डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं दूध के अंदर डालना है और इसको सक करना है। वाओ ओवर एक्टिंग चेक करो यार, ओवर एक्टिंग के गाइस बताओ कितने पैसे काटे हैं इसके। अब इसको स्ट्रॉ की तरह यूज करो। वाओ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिल्क पीने को मिलेगा। अब एक्सप्रेशन ही देना, एक्सप्रेशन ही देना, ये तेरी टेक्निक गलत है। सबसे पहले ऊपर को खींचो बेटा, नीचे को मारो मिक्सिंग के लिए। क्या कर रहा है, जोर से खींच। फ्लेवर तो आ रहा है मुझे स्ट्रॉबेरी का थोड़ा थोड़ा। कहाँ रहा है? वही तो चला गया, वो पी गया फ्लेवर वाला। ये है 100 रुपीज की, 5 स्ट्रॉज है इसमें। यार इससे बेटर तो बंदा स्ट्रॉबेरी का सिरप ले ले, दूध में डाल के वैसे पी ले।
बात तो सही है तुम्हारी। फ्लेवर तो आ नहीं रहा वैसे भी, वो चीनी है ये बस। ओ वाओ, फ्लेवर चीनी है इसके अंदर बस। बेसिकली ना जैसे अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, आपको ज्यादा चीनी नहीं डालनी तो उसके लिए एक अच्छी चीज है, पर मीठा के तो टेस्ट फिर भी नहीं आ रहा। बेकार चीज है ये, फ्लॉप शो। दिस इज नॉट नॉनसेंस। मजा नहीं आया सच्ची में, मजा नहीं आया। ये लेके फायदा नहीं है। वैसे अगर आपको शौक है तो लेके देख लो, ये ना अच्छा लगा। ये ऐसे है कि फैंसी आइटम है, बोलो कि आपको ना देख के ऐसे हो जाएगा कि बड़ी यूनिक चीज ट्राई कर रहे हैं। ऐसी चीज तो हमने कभी देखी नहीं, बट ये बस शौक के अंदर चीनी डाली हुई है। एक्चुअली ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। फूडी भी ले रहे हैं आजकल बड़े बड़े रिस्क। वाह, और जो चीज हम ट्राई करने लगे हैं वो है ये चार चिप्स का मिक्स। यार हैरानी की बात है, मैं मार्केट में देख के हैरान हो गया, इन्होंने करा क्या हुआ, चार चिप्स लेके उनके पैकेट खोले, उनको एक पैकेट में डाला और पैकेट बना के दे दिया। और ये बेच कितने कर रहे हैं? 695, 700 रुपए का चिप्स। 700 रुपए में चार वैरायटी ऑफ चिप्स मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से इतना बिल बनाया हमारा। एक बार आप चेक कर सकते हो जो जो चिप्स इसके अंदर उन्होंने डाले हुए हैं। चीटोज है, डोरिटोज है, ये और सन चिप्स है। सन चिप्स हमें लास्ट के दो तो कभी सुने भी नहीं। नहीं सुने। इंडिया में ये चीजें कामयाब नहीं है भाई साहब। लोग तो गालियां निकालेंगे, मेरे चिप्स तूने अपने पैकेट में कैसे डाल दिए। क्या हो गया, कितना अजीब है, देख तो उनको दिखाना। अच्छा मुझे भी दिखा दे। ऐसे चिप्स कभी आपने खाए हैं? ऐसे इसमें तो बहुत ज्यादा मिक्सचर हो गया भाई। हमारे तो नमकीन वाले इतनी नमकीन नहीं मिक्स करते जितने इन्होंने चिप्स मिक्स कर दिए। ये क्या करा इन्होंने, ये खाएगा कौन? इंडिया से कंसेप्ट चोरी कर लिया नमकीन का। सीरियसली क्या बात की है, क्या बात है। प्रेजल खाऊंगा मैं, नहीं कभी नहीं खाया। खा रहा हूँ, ये ले को ले ले यार, शहीद कर दिया मेरा प्रेजल। पता कितने का था, 5 रुपए का पीस था वो। सही होगा 5 का तो, जिस हिसाब से पैकेट का रेट है। क्या सड़ा सा फ्लेवर है, बेकार सारा मीठा नमकीन है। ये खाते हैं, चीटोस तो ठीक होंगे। वही जो बचपन में 10 रुपए का पैकेट आता वही वाली चीज है, वो 7 रुपए में बेच रहे हैं। हिसाब किताब लगाया, इंडियंस ना हमेशा स्मार्ट होते हैं। उनके लिए नमकीन अगर चीजों का मिक्स होता तो टुकड़े छोटे छोटे होते कि सबका फ्लेवर आए एक ही मुट्ठी में या एक ही चम्मच में। इसमें तो वो भी नहीं है। इसमें किस चीज का फ्लेवर आएगा, जो चीज खाओगे वही। पता है किनके लिए है, पर ये ना देखने में बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ देखने में तो बिल्कुल अलग सी शेप है, पर टेस्ट भी इसका अलग कुछ नहीं है, सड़ा सा है। कभी जिंदगी में ना ये चीजों पे पैसे मत खर्चना, बहुत ज्यादा नॉनसेंस चीज है। इससे बढ़िया तो ना मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये हल्दीराम के हम लेके आए हैं नेचोस। वाह, ये ट्राई करके देखते हैं जरा। पर मुझे ना नाम बड़ा अजीब सा लगा, मैक्सिला। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने मैक्सिको और टोटिला को जोड़ दिया। अच्छा। तो मैक्सिला बना दिया। ये ट्राई करते हैं हल्दीराम के, देखते हैं हाउ आर दे डूइंग इन इंटरनेशनल फ्लेवर्स। चीयर्स। चीयर्स। काफी चीजी है ये, चीजी है बहुत ज्यादा चीजी है ये। उसके अंदर चीज का इतना फ्लेवर नहीं आया जितना, और उसके बाद चीजी लिखा हुआ है उसमें चीज का भी वो नहीं है फ्लेवर। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये सिर्फ 20 रुपए का है। दिस पैकेट ऑफ इज 20 रुपीज, बट ये ना साथ साथ के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इट्स वर्थ इट यार, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी है। नाइस। अब ना एक और चीज दिखाता है जो अपने देसी नेचर्स बोल दो उसको, बिंगो के मैड एंगल। और मुझे तो छोटे होते लगता था यही नेचर्स होते होंगे। सही बात है, बिंगो जब आए थे ना तब हमारे ये टोटीला चिप्स वगैरह चले नहीं थे इंडिया में। पर यार ये वाला हम इसलिए लेके क्योंकि ये वाला फ्लेवर हमने कभी ट्राई नहीं किया। क्या है, पिज्जा। ये नॉर्मल पिज्जा नहीं है, ये पिज्जा। जैसे वो कार आती थी कार। ये मोटे चिप्स है टोटीला चिप्स यार, इतना अच्छा फ्लेवर नहीं है, बट वो 700 रुपए वाले पैकेट से बेटर है। ज्यादा ही पिज्जा का फ्लेवर डालने की कोशिश करी है, कोशिश ज्यादा कर दी, वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं तीनों में कंपेयर करूँ ना बेस्ट हल्दीराम के। ये बिल्कुल अच्छे नहीं है भाई, ये बिल्कुल मत लेना, इसमें ऑलिव का टेस्ट आ रहा है ज्यादा। मुक्ति बहुत ही करती है चटर चटर। और जो चीज हम ट्राई करने लगे वो है स्नीकर का पीनट बटर। भाई साहब मुझे नहीं पता था मार्केट में ऐसी चीज भी कोई सोचा था। सही बात है, और हेल्थ ब्रांड ज्यादा निकालते हैं पीनट बटर, लोग हेल्थी खाने में यूज करते हैं, पर मुझे किसी भी एंगल से लगता नहीं कि इसका हेल्दी होने वाला है पीनट बटर कहीं से। जो चीज अच्छी लग रही है दैट इज कि ये क्रंची है। हाँ, क्रंची पीनट बटर अच्छा लगता है यार मुझे ना, स्नीकर्स इतनी ज्यादा पसंद है, खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। मुझे पीनट बटर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट मुझे स्नीकर वाले से थोड़ी उम्मीद है यार। स्नीकर्स की मेरे ख्याल से मूंगफलियों वाली बेस्ट चॉकलेट है मार्केट में, बेस्ट। तो पीनट बटर भी इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छा होने की। ऐसा खाने से ऐसा नहीं लग रहा कि स्नीकर का कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं। नहीं, ये नॉर्मल जो नॉन शुगर वाला पीनट बटर होता है वैसा ही है। मेरे ख्याल से हेल्दी साइड पे ही कहेंगे। हाँ, ये हेल्दी साइड पे है। हाँ, I was expecting कि कोई स्नीकर वाला गुण हो। एक्चुअली ना इसके ऊपर स्नीकर लिखा तो हमारी उम्मीदें से बहुत बढ़ गई। हाँ। क्योंकि स्नीकर जब भी हम खाते तो एक प्रॉपर मिठी चीज, मतलब मजा आ जाता है, क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। इसकी प्राइस चेक करा दे,
795 800 रुपीज का है ये, भाई कभी मत लेना। 800 रुपए में इन्होंने क्या डाल दिया, इन्होंने टेस्ट तक नहीं डाला। और सच्ची चीज बताऊं, 800 रुपए का एलमंड बटर आ जाता है। बिग नो फॉर दिस स्नीकर पीनट बटर, इससे बेटर है अगर आप पीनट बटर के शकीन है भी है ना, कोई और ले लो, सस्ता ले लो, 200-300 रुपए में अच्छे ब्रांड्स के आ जाते हैं पीनट बटर। मतलब अगर आपको टेस्ट भी नहीं मिल रहा है तो वो भी स्नीकर्स के नाम पे, तो इट्स लाइक यूजलेस। मुक्ति को प्यार से कहता हूँ मैं मुकी, इसको प्यार से कहता कौन है, इसको टूट टूट के पड़ते हैं सारे। और हम गाने लगे M&M की कुकी। भाई साहब मैंने तो M&M की चॉकलेट कभी नहीं खाई, पर आज हम कुकी पे आ गए। मतलब एक चीज छोड़ के नेक्स्ट लेवल पे आ गए भाई साहब। 3-4 सीढ़ियां इकट्ठी कूदते हैं यार। कुकी ना अंग्रेजी में हम बोलते हैं, मतलब बिस्किट को अंग्रेजी में कुकी बोलते हैं। और अगर बिस्किट इतना महंगा हो, 650 रुपए, भाई इसका तो नाम कुकी से भी बढ़ के होना चाहिए कुछ। कुका कुका बिस्किट भी वैसे मुक्की इंग्लिश में बोलते हैं। तूने कहा बिस्किट को इंग्लिश में कुकी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बिस्कुट। हिंदी में बिस्किट को क्या बोलते हैं? मट्ठी, मीठी मट्ठी। कमेंट करके बता दो अगर आपको पता है हिंदी में बिस्किट को क्या बोलते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। पर देखने में ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यार मैं ये सोच रही हूँ 650 या 600-700 रुपए में सिर्फ ये 6-7 पीस है इसमें, मतलब 100 रुपए की एक होगी। ये तो ऐसे लग रहा है हैंडमेड बिस्किट है। सीरियसली देसी बिस्किट अपने आटे वाले। हाँ वही है ये, और क्या है, मतलब कलरफुल से है, पता नहीं कैसे होंगे, अंदर जेम्स डाली है। इसके मैं 5 रुपए भी नहीं दूंगी। तूने 650 रुपए दिए तो वीडियो के लिए दिए था। इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बट अदरवाइज अगर मुझे कोई खरीदने को बोले ना, इसकी शक्ल देख के मैं खरीदूंगी नहीं, इससे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी आटे वाले बिस्किट। सच्ची में अगर कोई देखे ना बोलेगा ये 650 का दिमाग खराब हो यार, मुझे खुशबू अच्छी नहीं आ रही है सच्ची। चलो खा के देखते हैं। अंदर M&M तो बहुत डाली है और ऐसे लग रहा है जेम्स वाले देसी आटे बिस्किट है। वैसे ना मुझे M&M ज्यादा अच्छी नहीं लगती, लोग पता नहीं क्यों खरीदते हैं। नहीं इतना कुछ ज्यादा 650 वाली बात नहीं है। नहीं मतलब 650 रुपए में कम से कम अंदर क्रीम फीलिंग तो होनी, चॉकलेट फीलिंग होनी चाहिए कुछ तो हो, बाहर चॉकलेट की एक लेयर लगी होनी चाहिए। इससे बेटर तो हाइड एंड सीक बिस्किट है। हाइड एंड सीक बहुत अच्छा है, 20 रुपए का पैकेट आता है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो मार्केट में पुराने नहीं हो जाते बिस्किट, पड़े पड़े आटे के बिस्किट 10-10 साल पुराने, वो इससे ज्यादा बेटर है भाई। सच्ची में पुराने ना हो गए, दुकान पे कोई खरीदता नहीं होगा, ये वर्थ इट ही नहीं है। सही बात है, बकवास थर्ड क्लास, मजा नहीं आया। थैंक यू, मतलब ये रिश्तेदारों के लिए रख लेना। अगर आज मैं ये सारा सामान ना खरीदता ना, मैं अपने लिए खरीद लेता 3-4 जीन्स। बट अब हम ट्राई करेंगे ये हेन्स की जीन्स, ये हाइंस की बीन्स है। और हैरानी की बात है इस कंपनी को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इसकी पैकेजिंग भी यही है, और इसकी ये कैन भी यही है 100 साल से। भाई इतना पुराना, मतलब देखो खरीदता नहीं इसलिए, तब से पड़ा हुआ इनके पास, तरक्की नहीं हुई इसकी कोई अब तक। ये बहुत ज्यादा बिकता है इसलिए। तो 80 रुपए का है वैसे ये, पर हमने ना कभी, हमारे यहाँ ट्रेंडर राजमा छोड़ ले तो हमारे खुले बनते हैं, तो कैन वगैरह में हमें ये चीजें और लगती हैं थोड़ी। तो आज पहली बार हम कैन में बीन्स देखते हैं कैसी दिखती हैं और कैसी टेस्ट करती हैं। या तो हम ज्यादातर घर पे बनाते हैं या फिर ज्यादातर ढाबे में खाएंगे स्वाद खाने। इंडिया में कौन खरीदता होगा ये, पता नहीं कौन, पता नहीं। और दिस इज फॉर रुपीज 180, वो देख के भाई मुझे लग रहा है लिक्विड ना हो थोड़ा सा। तो इजीली गया। ओह नाइस, बदबू आ रही है यार, बदबू आ रही है। प्रेजर्वेटिव्स तो डालते ही होंगे यार इसमें वो। सो ये है कोई तामझाम, दिखा यार मुक्ति। ओ भाई ओए स्मेल कैसी दिखी अभी, आई हाय ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे टमाटर, जैसे कॉर्न्स की खुशबू आ रही है, टमाटर आ रही है भाई, मुझे तो बदबू आ रही है। टमाटर के अंदर सोयाबीन डाल दी और टमाटर के जूस के अंदर, ऐसा लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये अच्छी होगी, बट इसको गर्म करके देखते हैं और एक बार खा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी है। तो गाइस जब तक हमारी बीन्स गर्म हो रही है तब तक आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओंकार यू आर सो पेल बिकॉज यू डोंट कट योर नेल, अगली थिंग है हमारी मॉक टेल। और जितनी तेरी गंदी शायरी है हो जाएगी तुझे जेल, और कोई भी नहीं कराएगा बेल। शायरी में खेल तेरी लगी हुई है कुत्ते जैसी टेल। शायरी का चैंपियन भी उकार दामा बनेगा। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। वैसे आप किसी रेस्टोरेंट पब वगैरह में जाते हो वहाँ पे आपको महंगी महंगी कॉकटेल्स मिलती है, तो ये हम एक लेके आए जिसकी कॉस्ट है 80 रुपए। पिंकी पिंक कलर क्यूट नहीं है, ऊपर रैपर लगा हुआ है। ये मार्केट में ना इसमें और भी फ्लेवर थे, बट हमें ये अच्छा लग रहा था, ये देसी बना ही आया था अपना खोलने के लिए। बाकी कामयाब ये चीजें है, दांत कामयाब है, इसके बाद बस डेंटिस्ट के पास जाना, पैसे खर्चना। भाई साहब मेजरमेंट देखो अपने, ये ग्लास कामयाब है, बाकी चीजें कामयाब हुए ना हुए। मुझे लग रहा है आंवला का जूस हो जैसे। ये थोड़ा रंग गंदा नहीं हो गया एकदम से, तेरे को तो बड़ा पिंकी पिंकी लग रहा था, ऐसे लग रहा है जलजीरा पीने लगा। जलजीरा भी अच्छे रंग का होता है। खुशबू इज नॉट सो दैट बैड। ये कौन सा है, टैंगी एंड स्पाइसी। काली मिर्च डालती मुझे लग रहा है इन्होंने। चलो ट्राई करता हूँ यार, खुशबू तो अच्छी है भाई। 80 रुपए खर्चने से बेटर बंदा घर पे जलजीरा ना पी ले।
जंजीरे का पैकेट लेके पूरे रिश्तेदारों को भी पिला दे भाई साहब, उसमें बर्फ डाल के गोलगप्पे खा लो अगर आपका मन है। ये वैसे ना सच्ची बोलू इतना माड़ा नहीं है ये, गोलगप्पे के पानी वाला है पर ये सस्ता गोलगप्पे का पानी लग रहा है। सस्ता गोलगप्पे का पानी कोई महंगे में बेच रहा है ऐसा लग रहा है, बहुत महंगे में बेच रहा है। अगर आप 80 रुपए ना गोलगप्पे वाले भैया को दे दो ना तो 2-3 लीटर गोलगप्पे का पानी आपको वैसे ही दे देगा। अगर सस्ते गोलगप्पे वाला है ना 80 रुपए ना मंथली मेंबरशिप दे देगा, रोज आगे 5 खा जो। मेंबरशिप पता नहीं अंग्रेजों को अच्छा लगता होगा, हमें तो नहीं, हम तो जलजीरे वाले। ऐसा करो चने बॉयल करो गोलगप्पे लाओ। ऐसा लग रहा है राजमा के अंदर कोई मसाले नहीं डाले, ऐसे ही दे दिए हैं। और मसाले ये पता वो लग रहा है मुझे सोयाबीन लग रही है, सोयाबीन लग रही है। ये बीन्स कोई भी बीन हो सकती है भाई, बेवकूफ बना रहे लोगों का ये। पहले मैं खाऊं टमाटो प्यूरी के अंदर इन्होंने सोयाबीन डाल रखी है। और मुझे बोलो मैं एक्सप्रेशन नहीं दूंगी, बिल्कुल ना दियो। और मुझे लगता भी नहीं कि आएंगे, नहीं खुद ही बोल रही है मुझे बोलो, मतलब हद ही है। मतलब ठीक है मैं तुझे बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन मत देना, उल्टी भी आई तो भी मत करना, बिना एक्सप्रेशन के करियो। गरीब बंदे का मुंह जल गया। बट थोड़ा सा दौड़ डाल लो यार, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल में आ गया मैं, ऐसा लग रहा है मैं बीमार नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है मीठे टमाटर का सूप और उसके अंदर उबली हुई बीन्स डाल दी। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने लिटरली जो केचप वाली दुकान है ना उधर गई है, उन्होंने बोला केचप दे दो। मुझे पता लग गया ये कौन खरीदता है, मुझे पता लग गया इनकी ना हॉस्पिटल वालों के साथ टांका भिड़ा हुआ है। ये ना ये उधर बेचते हैं अपने ये सामान भाई, सच्ची में हॉस्पिटल वाला है ये। तुम दोनों में से कोई ऐसा बंदा है जो कि दाल के साथ टमाटो सॉस खाता हो? नहीं। तो ये क्या सोच के इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया? ये एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये अमेरिकन के लिए बनाया गया था। तो इंडिया में क्यों बेच रहे हैं? बिक रहा है, बेच रहे हैं, उनकी मर्जी है, पर कोई मुझे लगता नहीं लेता है। बता रहा हूँ ना हॉस्पिटल वालों के साथ इनका टांका भिड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में से ज्यादा स्वाद मिलता है? नहीं यही मिलता उसमें है, नमक तो होता है, तो मीठा डाला हुआ है, डाल देते हैं मीठा डाला हुआ है। जब इनका बिकता नहीं होगा ना, लास्ट के एक्सपायरी के 1-2 महीने बच जाते होंगे, ये ना उनको बहुत सस्ते में बेचते होंगे हॉस्पिटल वालों को। हॉस्पिटल में राजमा नहीं खाते यार, तुम मेरी बाल मान दे रहे, मैं सच्ची कह रहा हूँ हॉस्पिटल में पीली दाल खाते हैं। तुम जैसे कह रहे हो तुम अस्पताल के उसमें किचन स्टाफ में हो, मुझे मुझे सच्ची में मतलब वो वाली मेमोरी आ रही है कि मैंने हॉस्पिटल में खाया है इसको। फिर तो पक्का हॉस्पिटल में ही है। मत कर यार, रहने बस, कोई अपने आप को टॉर्चर मत दो, अपनी पुरानी यादें ताजा मत करो तुम। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग कि ये वही वाला टेस्ट है ना, एंड यस इट इज, दैट इज द टेस्ट। गाइस चीजें हमारी सारी खत्म हो गई हैं, आखिरी चीज हमें लगा था अच्छी होनी चाहिए थी। पर अगर मैं पूछूं इन सब में से उनका तेरा बेस्ट कौन सा रहा जो अब तक हमने खाया? यार सबसे बढ़िया तो मुझे हल्दीराम के चिप्स लगे सच्ची में, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी था यार वो, सीरियसली दैट वाज। और उसके अलावा मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे मेरा तो सबसे ज्यादा दिल तोड़ा स्नीकर की उसने, पीनट बटर। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत बुरा लगा, रोना नहीं बच्चे। वो स्ट्रॉ ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया यार, स्ट्रॉ डिसअपॉइंटिंग थी। पर मेरे लिए जो इनमें से बेस्ट टेस्ट था वो था भूतिया हवेली वॉज द टेस्टीएस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा मसालेदार भूतिया हवेली था। यार बहुत ही महंगी वाली चीज तो ना डिसअपॉइंटिंग थी। सो इसी के साथ जो वीडियो है वो करता है खत्म। अब आपने करना है रीति रिवाज फॉलो, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और OMG व्लॉग्स वाले चैनल को पक्का ही सब्सक्राइब करना है। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दो, क्योंकि जब भी हम अपनी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। घंटा दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फूडी वी के नाम से फॉलो कर लेना। हम दोनों को भी फॉलो कर, फूडी वी के नाम से नहीं, फूडी वी के नाम पे, इसको मत करना इंस्टाग्राम पे फॉलो, हम दोनों को करना, मेरे को भी कर लेना प्लीज। मेरे फैंस नहीं है फूडी वी पे, हमारे फैंस। प्लीज गाइस प्लीज कमेंट कर दो अगर मेरा कोई भी यहाँ पे फैन है ना फूडी वी का।